आज शेयर कर रही हूं आपके साथ एक फूल प्रूफ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का की रेसिपी। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी पनीर टिक्का नहीं है, आई एम शेयरिंग विद यू मलाई पनीर टिक्का। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। मेरे पास है यहां 200 ग्राम पनीर और इस पनीर को पहले हम क्यूब्स में कट कर लेते हैं। और अब इन पनीर के क्यूब्स को मैरिनेट करने के लिए इसका एक मैरिनेशन प्रिपेयर कर लेते हैं। मैरिनेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी ये थक्का दही, दही जिसे 6 से 7 घंटे के लिए हमने टांग दिया है एंड इट हैज बिकम रियली नाइस थिक। तो ये 1/4 कप मेरे पास है थक्का दही और अब इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून लेमन जूस और इसमें ऐड करूंगी मैं 1 चुटकी नटमेग का पाउडर यानी कि जायफल का पाउडर, इसके साथ थोड़ा इलायची पाउडर। यहाँ इलायची को मैंने एकदम फाइन पाउडर नहीं किया है, बस हल्का सा कूट लिया है। कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक, गरम मसाला, वाइट पेपर पाउडर, वाइट पेपर ना हो तो आप ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है ये। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन और 2 टेबलस्पून क्रीम और 1 टीस्पून कसूरी मेथी को रगड़कर इसमें ऐड कर देंगे। इसकी स्टिक्स को डिस्कार्ड कर दीजिए और अब इसको आप मिक्स कर लीजिए। एक और इंग्रेडिएंट इसमें अभी ऐड करेंगे और वो है ये चीज। तो अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ चीज आई विल ऐड टू दिस। ये प्रोसेस चीज है, ग्रेटेड, ये देगा इसको एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर। बटर जो आप इस्तेमाल करेंगे वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए सो दैट इट ब्लेंड्स इनटू योर मैरिनेड इजीली। और अब इसमें अपने पनीर पीसेस को हम मैरिनेट करके रख देंगे। आप चाहें तो इसमें अनियन, टमेटोज और कैप्सिकम को भी क्यूब्स में कट करके ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं करने वाली हूं। कुछ टमेटो के क्यूब्स हैं, कैप्सिकम और अनियन भी, इन्हें भी आप इस मिक्सचर में विद अ वेरी लाइट हैंड ताकि पनीर टूटे नहीं। सो वी विल मिक्स दिस इन। इंश्योर ये कर लेना है कि सारे वेजिटेबल्स और ये पनीर पीसेस भी अच्छे से इससे कोट हो जाएं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेट दिस असाइड फॉर हाफ एन आवर। मैरिनेट हो चुका है और अब उसे वो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं देने जा रही हूँ इसमें कोयले का धुआं। एंड फॉर दैट मैंने एल्युमिनियम फॉइल की इस तरह से एक छोटी सी कटोरी बना ली है जो मैं यहाँ बीच में रख दे रही हूँ। एक कोयले का टुकड़ा मैंने यहाँ गैस पे रख के थोड़ा सा अंगार पे ले आए हैं हम इसे। एंड जब इस पर अच्छा सा अंगार आ जाएगा आई विल कीप इट हियर। अब इस पे ऐड करूंगी 1 टीस्पून ऑयल, आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं और इसे इमीडिएटली कवर कर दीजिए। 5 मिनट तक इसमें धुआं लग जाने दीजिए एंड देन वंस द एंटायर स्मोक सेटल्स डाउन हम इसे खोल लेंगे और बस फिर ग्रिल कर लेंगे। 5 मिनट के बाद ये स्मोक जब थोड़ा सबसाइड हो जाएगा इसे हम खोल लेते हैं। पनीर में अब आ चुका है वो सौंधा सौंधा तंदूर का टेस्ट और अब
इन पनीर के पीसेस को हम स्कीवर्स पे लगा लेते हैं और उसके बाद ग्रिल कर लेंगे। अपने स्कीवर को गोल घुमाते हुए इसमें ऐड कीजिएगा ताकि आपका जो पनीर है वो टूटे नहीं, नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि जो पनीर के पीसेस है ना वो टूट जाते हैं। सो टर्न दिस अराउंड एंड सिमिलरली विद योर वेजिटेबल्स ऑल्सो सो दैट योर वेजिटेबल्स डोंट क्रैक। तो इसी तरह से ये सारे स्क्यूअर्स मैं रेडी कर लेती हूँ। सो वंस यू हैव योर पनीर पीसेस ऑन द स्क्यूअर, इसे एक ग्रिल पैन में या नॉन स्टिक पैन में या अवन में, या अगर आपके पास गैस तंदूर है तो गैस तंदूर पे आप जैसे भी चाहें कुक कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज अ नॉन स्टिक पैन फर्स्ट, और अब एक गरम नॉन स्टिक पैन में मैं अपने स्क्यूअर्स को रख देती हूँ। ये जो बचा हुआ मैरिनेड है आप इसके अंदर फिल करते जाइए। जो चीज हमने डाला था ना वो जब मेल्ट करेगा दैट विल एक्ट एज अ बाइंडिंग एजेंट टू गेट ऑल द स्पाइसेस एंड एवरीथिंग स्टिकिंग टू माय टिक्का। तो जब ये एक साइड से लाइटली गोल्डन होने लग जाए इसे उठाइए और दूसरी साइड पे भी ग्रिल होने के लिए रख दीजिए। मेरे पास एक और तरीका है इसे बिल्कुल तंदूर वाला लुक देने के लिए, एंड फॉर दैट आई वुड नीड अ ग्रिल। तो मैं एक ग्रिल को अपनी गैस पे प्लेस कर दूंगी और इस पे प्लेस कर दूंगी अपने टिक्कास। केयरफुली इसे टर्न कीजिए एंड यू विल सी दैट इट हैज ब्यूटिफुल मार्क्स एंड द कलर ऑफ अ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का। एज यू कुक दिस इसे बचे हुए मैरिनेट से बास करते जाइए ताकि ये सॉफ्ट बना रहे। आप चाहें तो थोड़ा मेल्टेड बटर या ऑयल से भी इसे बास कर सकते हैं। नाउ टाइम टू गेट दिस आउट। आप चाहें तो इन्हें स्क्यूअर के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन easily remove this. तो लीजिए तैयार है घर पर ही ये रेस्टोरेंट स्टाइल लहसुनी पनीर टिक्का। कहा था ना आपसे शेयर करूंगी आपसे एक ऐसा मेथड जो है बिल्कुल फुल प्रूफ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बढ़िया बढ़िया रेसिपीज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो ये बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किस बात की देर है, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।